नमस्कार, आप देख रहे हैं राजपट टीवी और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबर लोनी से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास करने वाले 50,000 रुपए के इनामी बदमाश यतेंद्र उर्फ अनिल पेंदा को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। यतेंद्र पर लगभग 3 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है और थाना लोनी का परिचलित हिस्ट्री शीटर है। एक शातिर बदमाश है, हिस्ट्री शीटर बदमाश थाना लोनी का अनिल उर्फ पेंदा। उसके ऊपर लगभग 3 दर्जन मुकदमे पंजीकृत हैं और हाल ही में जिला न्यायालय में इसके द्वारा जब इसके हमें जानकारी मिली थी, जिला बदर अपराधी भी था और जानकारी मिली थी कि ये जिला बदर होते हुए कोर्ट में है, तो जब कोर्ट परिसर में इसको हिरासत में लिया गया था तो वहां पर इसके कुछ साथियों ने इसको पुलिस अभिरक्षा से छुड़ा लिया था और इसको लेके वहां से भाग गए थे, जिसके संदर्भ में थाना कविनगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसके अलावा एक गवाह था जो कि एक मुकदमे में वहां पर आया हुआ था, उस गवाह को भी धमकाने का इस पर आरोप था और उसके द्वारा भी थाना कविनगर पर एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उसमें ये वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 50,000 का इनाम भी था। कौशाम्बी मनौरी रेलवे स्टेशन पर कानपुर से चलकर गोरखपुर तक चलने वाली चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव रविवार से शुरू हो गया है। इस अवसर पर कौशाम्बी सांसद विनोद सोनकर और फूलपुर सांसद केशरी देवी पटेल ने हरी झंडी देकर ट्रेन को रवाना किया। इस दौरान मनौरी बाजार के व्यापारी और क्षेत्र के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए सांसद विनोद सोनकर ने कहा कि ट्रेन के मनौरी रेलवे स्टेशन पर ठहराव कराने में उन्होंने कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। ये मनौरी बाजार और क्षेत्रीय लोगों के लिए खुशी की बात है कि उनकी 35 साल की खोई हुई विरासत दोबारा हासिल हुई है, क्योंकि ये सब ट्रेन करीब 35 साल पहले मनौरी रेलवे स्टेशन पर ये सब ट्रेनें रुका करती थी। यात्रियों को काम यात्रा और लगातार हो रही राजस्व की हानि और अन्य कई कतिपय कारणों से इन ट्रेनों का ठहराव रोक दिया गया था। इसके लिए सांसद विनोद सोनकर ने मनौरी बाजार के व्यापारियों और क्षेत्र के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें हर हाल में इस ट्रेन के राजस्व की भरपाई के लिए अधिक से अधिक यात्रियों को टिकट लेकर सफर कराने की बात कही। देखिए, सबसे पहले मनौरी के व्यापारियों को और मनौरी के आसपास गांव के किसानों को, मजदूरों को, युवाओं को, छात्रों को, निश्चित रूप से जिस विकास से देश के सबसे प्रधानमंत्री इस देश के जो मुख्य विकास हो रहा है उसमें रेलवे भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उनके नेतृत्व में रेलवे जिस तरह विकास हो रहा है आज पूरी दुनिया उनकी सराहना करती है। आप स्वयं महसूस करते होंगे, चाहे सफाई का विषय हो, चाहे ट्रेनों पर टाइमिंग का विषय हो और चाहे ट्रेनों में सुविधा देने की बात हो, जिस प्रकार से देश के सबसे प्रधानमंत्री के आज रेलवे का विकास हो रहा है। गाजियाबाद के लोनी में धूमधाम से छठ महापर्व मनाया गया, जहां नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने क्षेत्रवासियों के साथ छठ महापर्व मनाया। पूर्वांचल छठ पूजा समिति, संतोष बिहार सेवा समिति, पूर्वांचल एकता मंच के द्वारा लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा और मनोज धामा का फूलमाला पहनाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। लोनी शहर के विभिन्न कॉलोनियों में DLF, SLF, अमित विहार, यमुना के घाट समेत कई जगहों पर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ महापर्व की समाप्ति हुई। इस अवसर पर लोनी नगर पालिका अध्यक्ष रंजीता धामा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा ने उगते सूर्य को अर्घ्य दिया और विधि विधान से क्षेत्रवासियों के साथ पूजा अर्चना की और छठ मैया से समस्त क्षेत्र में सुख शांति की मंगल कामना की। प्राथमिक विद्यालय नगला आशा में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों ने अनेक खेल कूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। बता दें कि 31 अक्टूबर को जहां सारा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है, तो इसी क्रम में आज सौंक क्षेत्र में नगला आशा स्थित प्राथमिक विद्यालय में भी पटेल जी का जन्म दिवस मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर बच्चों ने खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया, तो वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य कुलदीप द्विवेदी ने बताया कि आज सरदार जी की जयंती पर बच्चों को उनके जीवन चरित्र के बारे में बताया गया और साथ ही बच्चों को देश के प्रति देशभक्ति और अखंडता की शपथ भी दिलाई गई। मैं कुलदीप द्विवेदी, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय नगला आशा, आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई गई, जिसमें बच्चों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन चरित्र के बारे में बताया गया कि किस तरह से उन्होंने जो 562 छोटी मोटी देशी रियासतें थी उनका एकीकरण किया और देश को सुदृढ़ बनाया, अखंड बनाया। बच्चों को
सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन चक्र से जोड़ते हुए एक शपथ दिलवाई गई, जिसमें सभी बच्चे देश की अखंडता एकता की रक्षा करेंगे और देश के लिए देशभक्ति की भावना रखेंगे, ये बच्चों को बताया गया। इसके साथ साथ बच्चों को 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर की रेस कराई गई और यूनिटी का संदेश दिया गया। इसके साथ ही सर्वप्रथम विद्यालय में प्रभात फेरी का आयोजन भी गाँव में किया गया। उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 2 नवंबर 2022 को अपना 25वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस मौके पर राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की आभासीय अध्यक्षता कुलाधिपति और सूबे की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगे। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह के मुताबिक रजत जयंती वर्ष के मौके पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल सरस्वती परिसर में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की सेंटर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन की ज्ञान संगम और ज्ञानार्जन LMS पोर्टल का भी उद्घाटन करेंगे। पूरे हो रहे हैं कॉलेज के और कौन मुख्य अतिथि होंगे, क्या पूरा कार्यक्रम? हमारा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय 2 नवंबर 2082 को 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इसमें एक हम बहुत वृहद समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसकी अध्यक्षता हमारी माननीय श्री राज्यपाल कुलाधिपति महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी कर रही हैं। इस अवसर पर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी, UGC के फॉर्मर चेयरमैन भी हैं और अभी इस समय वो शिक्षा सलाहकार हैं मुख्यमंत्री जी के, वो विशिष्ट अतिथि होंगे। और हमारे इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौर जी होंगे। इस अयोध्या राम नगरी में छठ महापर्व पर सरयू तट पर सूर्य को अर्घ देने के लिए जनसैलाब उमड़ा। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धर्म नगरी अयोध्या में छठ महापर्व पर राम नगरी में सरयू घाट पर सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर जनसैलाब उमड़ा। उगते सूर्य को उपासकों ने पुत्र की दीर्घायु की मंगल कामना करते हुए और सुख समृद्धि के लिए अर्घ दिया। सूर्य को अर्घ देने से पहले लोकगीतों और महिलाओं के गायन से पूरा घाट भक्तिमय रहा। व्रती महिलाओं ने 56 प्रकार के भोगों से छठ पूजा किया। निर्जल व्रती महिलाओं ने अर्घ देने से पहले पानी में खड़ी रही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए राजपट टीवी, सबसे पहले भारत।